एक गांव में रतन और बिरजू नाम के धनी दो पड़ोसी रहा करते थे। एक दिन की बात है, रतन किसी काम से बाजार जा रहा था कि तभी रास्ते में मुखिया रतन को रोक कर बोला, क्या हालचाल है रतन, आजकल बाजार में बहुत कम दिखाई देते हो। ईश्वर की कृपा है मुखिया जी, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, इसीलिए बाजार आने का समय बहुत कम मिलता है। दरअसल मैं तुम्हारे ही घर पर आ रहा था, अच्छा हुआ तुम मुझे बाजार में ही मिल गए। अब तो आपको मेरे घर पर आना ही पड़ेगा मुखिया जी, काफी दिन हो गए आपको मेरी पत्नी के हाथ का चाय पिए हुए। किसी दिन जरूर आऊंगा, अभी मुझे तुमसे एक जरूरी काम था। हाँ हाँ बोलिए मुखिया जी, क्या काम था। रतन, हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है और इसलिए हम सब गांव वाले आपस में मिलकर के एक अस्पताल बनवाने जा रहे हैं। ये तो बहुत शुभ काम है मुखिया जी, बताइए मैं इसमें आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। अपनी मर्जी से जितनी तुम्हारी हैसियत हो उतना दान तुम दे दो। मुखिया की बात सुनकर रतन ने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाल कर मुखिया को पकड़ा दिया। रतन, सिर्फ 100 रुपया? मेरी बस इतनी हैसियत है मुखिया जी। इतना कहकर रतन वहाँ से चला गया। मुखिया खराब मूड लेकर सीधे बिरजू के घर चला गया। अरे आइए मुखिया जी, बड़ी लंबी उम्र है आपकी, मैं आपको ही याद कर रहा था। कैसे हो बिरजू, सब कुछ कुशल मंगल तो है ना। ईश्वर की कृपा है मुखिया जी, सब कुछ सही है। और सुनाइए कैसे आना हुआ। अरे तुमने तो सुना ही होगा कि गांव में एक अस्पताल बन रहा है। हाँ मैंने सुना है और मुझे यह भी पता है कि सभी गांव वाले आपस में मिलकर चंदा दे रहे हैं, इसलिए आपके आने से पहले ही मैंने 10 लाख रुपए का चेक आपके नाम का काट रखा है। क्या बात है बिरजू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन तुमने चेक मेरे नाम क्यों काटा, हॉस्पिटल के नाम ही चेक काट देते। आप हमारे गांव के मुखिया हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। एक तुम हो और एक वो तुम्हारा पड़ोसी रतन है, जानते हो उसने अस्पताल को कितना दान दिया है, सिर्फ 100 रुपए। मेरी समझ में नहीं आता कि इतना धन का आखिर वह करेगा क्या, उसने तो कंजूसी की हद ही कर दी। इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद बिरजू संपत के साथ अपने खेत में चला गया। संपत बिरजू से बोला, इस गांव में सबसे ज्यादा दान हॉस्पिटल को आपने दिया है, अब तो हॉस्पिटल का उद्घाटन आपके ही हाथ होगा। जब सबसे अधिक दान मैंने किया है तो फिर उद्घाटन भी मेरे ही हाथ होगा। वैसे मुझे रतन से ऐसी उम्मीद नहीं थी, वह इतना कंजूस निकलेगा यह नहीं कभी सोचा था। संपत की बात सुनकर बिरजू मुस्कुरा कर रह गया। समय ऐसे ही बीतता गया। एक दिन की बात है, रतन अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ भोजन कर रहा था कि तभी गांव का एक व्यक्ति वहां आ गया। क्या हुआ श्यामलाल चाचा, आप इतने घबराए हुए से क्यों हैं? रतन, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन बता दिया है, और तुम तो मेरी हालत जानते हो, मैं तुमसे यहाँ पर मदद मांगने के लिए आया हूँ। चिंता मत करो श्यामलाल चाचा, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे 10,000 की सख्त जरूरत है रतन, और इस पूरे गांव में सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं पैसे उधार मांग सकता हूँ, मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। मुझे माफ कर दो श्यामलाल चाचा, मेरे पास 10,000 रुपए अभी इस समय नहीं है, इस समय मैं तुम्हारी 2,000 रुपए की मदद कर सकता हूँ। इतना कहकर रतन ने 2,000 रुपए श्याम लाल को पकड़ा दिए। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी रतन, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हारे पैसे लौटाऊंगा? ऐसी बात नहीं है श्याम चाचा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन यकीन मानिए मेरे पास इस वक्त सिर्फ 2,000 रुपए ही पड़े हैं जो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। यह 2,000 भी अपने पास रख लो, जहाँ से मैं बाकी रुपए का इंतजाम करूंगा वहाँ से मैं 2,000 रुपए का भी इंतजाम कर लूंगा। अरे लानत है तुम पर रतन, इतनी धन दौलत होने के बाद भी किसी व्यक्ति की मदद तक नहीं कर सकते। श्यामलाल क्रोधित होता हुआ घर से बाहर निकला। रतन श्यामलाल को आवाज लगाता हुआ घर से बाहर आ गया, मगर श्यामलाल ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी रतन की पत्नी भी घर से बाहर निकल कर आ गई।
अजी लगता है श्यामलाल चाचा को पैसों की कुछ ज्यादा ही जरूरत होगी। मैंने उन्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। क्या मैंने उन्हें पैसे देने से इनकार किया था? मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे पड़े हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आपके पास अच्छी खासी खेती है। हर साल आपकी फसल गांव में सबसे अच्छे दामों में बिकती है। आपके पास से इतना पैसा आखिर जाता कहाँ है? भूलो मत कि हमारे बच्चे गांव से बाहर शहर में पढ़ते हैं। उनकी स्कूल और मेंटेनेंस का खर्चा कितना आता है, और फिर हमारे घर के खर्चे भी कुछ कम नहीं है। इधर श्यामलाल आंखों में आंसू लिए हुए जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिल गया। अरे क्या बात है श्यामलाल, तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों? सब कुछ कुशल मंगल तो है? अब क्या बताऊं मुखिया जी, मेरी पत्नी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही। हाँ, इस बात को मैं जानता हूँ। क्या हुआ बोलो। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन बता दिया है मुखिया जी। मुझे इस वक्त 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है, और आप तो मेरी हालत जानते हो। मैं बड़ी उम्मीद लेकर रतन के पास 10,000 रुपए उधार मांगने गया था। मगर उसने तुम्हें 10,000 रुपए नहीं दिए होंगे और यही कहा होगा कि उसके पास पैसे नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। आपको कैसे पता? क्योंकि जो व्यक्ति हॉस्पिटल के दान में भी कंजूसी करता हो, उस व्यक्ति के बारे में हम क्या ही कह सकते हैं। अरे वह तो पुण्य का काम करने में भी घबराता है। मुखिया जी, आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए। इस गांव में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, वह है बिरजू। तुम्हें इसी वक्त बिरजू के पास जाना चाहिए। मुखिया की बात सुनकर श्याम लाल दौड़ता हुआ बिरजू के घर चला गया और उसे अपनी सारी स्थिति बता दी। अरे तो तुम्हें उस कंजूस रतन के पास जाने की क्या आवश्यकता थी श्यामलाल चाचा, तुम सीधे मेरे पास आते। इतना कहकर बिरजू ने 20,000 रुपए की रकम श्यामलाल को पकड़ा दी। लेकिन मुझे सिर्फ 10,000 रुपए की आवश्यकता है। श्यामलाल चाचा, आप बहुत ही भोले हैं। अरे भाई, ऑपरेशन के बाद दवाइयाँ वगैरह में भी बहुत खर्चा आता है, उसका इंतजाम आप कहाँ से करेंगे? इसलिए ये 20,000 रुपए आप रख लीजिए। मैं तुम्हारे ये पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा बेटा। श्यामलाल चाचा, इन पैसों को लौटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह पैसे मैंने तुम्हें अपना पिता समझ कर दिया है, और एक बेटे को अपने पिता के ऊपर किया गया एहसान कोई एहसान नहीं होता, बल्कि कर्तव्य होता है। श्यामलाल खुश होता हुआ वहाँ से चला गया। इतना बोलपत अपने गोदाम में आ गया कि तभी वहाँ पर संपत दौड़ता हुआ आया। ये क्या बिरजू भाई, मैंने सुना है कि आपने श्यामलाल को 20,000 रुपए दान में दे दिए। वो पूरे गांव में आपकी प्रशंसा के पुल बांध रहा है। अच्छा, तो बात पूरे गांव में भी फैल गई। आखिर उस भिखारी को 20,000 रुपए देने की क्या जरूरत थी? मैं आपसे कब से 5,000 रुपए मांग रहा हूँ, मुझे तो आप दे नहीं रहे। बकवास बंद करो संपत, तुम हर महीने अपनी तनख्वाह ले जाते हो, फिर भी अगर तुम्हें पैसे और चाहिए तो मैंने क्या तुम्हें मना किया है क्या? कुछ दिनों बाद गांव में अस्पताल बनकर तैयार हो गया। मुखिया ने अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए बिरजू को ही बुलवाया था। सारे गांव वाले अस्पताल के सामने एकत्रित थे, तभी बिरजू की नजर रतन पर पड़ी। अरे रतन, तुम भी अस्पताल को देखने के लिए आए हो, यूं भीड़ में क्यों खड़े हो? रतन भीड़ से निकलकर बिरजू के सामने आकर खड़ा हो गया। रतन, तुम यहाँ क्यों आ गए? कभी तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमारा अस्पताल का उद्घाटन तुम्हारे ही हाथों करवाने का इरादा है? नहीं मुखिया जी, मुझे उद्घाटन करने का कोई शौक भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि गांव में अस्पताल जल्दी शुरू हो जाए, ताकि गांव वालों को परेशानी ना हो। हाँ हाँ, पता है, इसीलिए तुमने चंदे में केवल 100 रुपए दिए थे। मुखिया जी, ये बताइए कि अब क्या देरी है? अरे बस, डॉक्टरों की टीम यहाँ पर पहुँचने वाली होगी। मुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी डॉक्टरों की टीम वहाँ पहुँच गई। बिरजू अस्पताल का रिबन काटने ही वाला था कि तभी अचानक वो बेहोश होकर गिर गया। अरे ये क्या हुआ, ये अचानक बेहोश कैसे हो गया? बिरजू को तुरंत उसी अस्पताल में एडमिट कर दिया और डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल करने लगे। एक
डॉक्टर रूम से बाहर निकलकर मुखिया से बोला, इनके परिवार वाले कहाँ हैं? बिरजू के परिवार वाले तो सब अमेरिका में रहते हैं डॉक्टर। बिरजू गांव में अपने साथी संपत के साथ रहता है। इसके परिवार वाले कभी कभी यहाँ आते हैं। बात असल में यह है कि मुखिया जी, कि बिरजू की एक किडनी बुरी तरह से खराब हो चुकी है। अगर अभी इसकी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो इसकी जान जा सकती है। चिंता मत कीजिए डॉक्टर, हमारे गांव में बिरजू ने इतने लोगों की मदद की है, कोई ना कोई किडनी देने के लिए तैयार जरूर हो जाएगा। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया। मुखिया ने गांव के हर व्यक्ति से बिरजू के लिए किडनी मांगी, मगर सबने किडनी देने से इनकार कर दिया सिवाय एक के। कुछ दिनों बाद बिरजू स्वस्थ हो गया। मुखिया अस्पताल में बिरजू से मिलने के लिए आया। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि तुम स्वस्थ हो गए। मुखिया जी, मेरी एक किडनी खराब हो चुकी थी, गांव के ही किसी व्यक्ति ने मुझे अपनी एक किडनी दान दी है। मैं जानना चाहता हूँ ये काम मेरे वफादार साथी संपत के अलावा और कोई नहीं कर सकता। नहीं बिरजू, तुम्हारा वफादार साथी तो संपत किडनी का नाम सुनते ही भाग गया। गांव के हर व्यक्ति ने तुम्हें किडनी देने से इनकार कर दिया। तो फिर कौन है वो जिसने मुझे किडनी दी? मैं उसका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हालांकि अगर मैं अपनी सारी दौलत भी उसके कदमों में लाकर रख दूं तो मैं उसका कर्ज नहीं चुका सकता। उसने मना किया है कि तुम्हें उसका नाम न बताया जाए। अब तुम्हें घर चलना चाहिए, डॉक्टर ने तुम्हें छुट्टी दे दी है। बिरजू मुखिया के साथ अस्पताल से बाहर आया ही था कि तभी एक कार आकर रुक गई। उस कार में से एक वकील निकलकर मुखिया के सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला, मुझे माफ कीजिएगा मुखिया जी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं वकील साहब, तो क्या उस महान व्यक्ति का नाम पता लगा? इस फाइल में उस व्यक्ति का नाम और फोटो मौजूद है जिसने अस्पताल के लिए यह पूरी जमीन 2 करोड़ में खरीद कर दान दी है। इतना कहकर वकील वहां से चला गया। मुखिया ने जैसे ही फाइल खोलकर देखा तो उसमें रतन का फोटो लगा हुआ था। ये सब क्या हो रहा है मुखिया जी? मैं काफी दिनों से यह पता लगाने का प्रयास कर रहा था कि जिस जमीन पर यह अस्पताल बनकर तैयार हुआ है, यह जमीन किसने खरीद कर दान में दी है। बिरजू, यह जमीन हमारे ही गांव के व्यक्ति रतन ने खरीद कर दान में दी है। जिसे सारा गांव कंजूस के नाम से बुलाता है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि कहीं ये रतन की कोई चाल तो नहीं। मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें किडनी देने वाला कोई और नहीं बल्कि रतन है। मुखिया की बात सुनकर बिरजू की आंखों में आंसू आ गए। मुझे रतन के पास ले चलिए मुखिया जी। मुखिया बिरजू को रतन के घर पर ले गया। बिरजू हाथ जोड़ता हुआ रतन से बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। तुमने आखिर बताया क्यों नहीं? तुमने अस्पताल के लिए 2 करोड़ की जमीन खरीद कर दान दी है, और ये जानने के बावजूद मैं कितना गलत हूँ। तुमने मेरा जीवन बचाने के लिए अपनी किडनी तक दान कर दी। सच्चा दान वह नहीं होता बिरजू जो बताकर या दिखाकर किया जाए, सच्चा दान वह होता है जो छुपा कर किया जाए। सच्चा दान वह होता है जिससे किसी का जीवन सफल हो सके। मैं कितना गलत हूँ मुखिया जी, मैं अब तक लोगों को धोखा देता आया हूँ। मैंने अस्पताल में दान भी दिखावे के लिए किया था। सच यह है कि मैं 2 नंबर का काम भी करता था। मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा और अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। अपने पापों के प्रायश्चित करने के लिए तुम्हारा जेल जाना जरूरी नहीं बिरजू। तुम अभी और इसी वक्त अपने सारे बुरे धंधे बंद कर दो और अपने बुरे धंधे से कमाई हुई सारी दौलत गरीबों को दान कर दो। फिर देखो तुम्हें तुम्हारे मन को कितनी शांति मिलती है। रतन की बात सुनकर बिरजू मुस्कुरा दिया और बिरजू ने ठीक वैसा ही किया। उसने अपने बुरे कर्मों से कमाई की सारी दौलत गरीबों में दान कर दी।